Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is importance or merits of journal. Journal बनाने की क्या-क्या फायदे हैं? सबसे पहला है helpful in understanding double entry system. Journal बहुत important part है double entry system का. और जब आप journal को study करते हो, तो आपको double entry system समझ आता है. बिना journal के difficult है double entry system की knowledge. Then next है आपका proof. Journal को आप present कर सकते हो as a proof in court अगर कोई भी default हुआ है in future. The next is helpful in formation of ledger. Journal की formation के बाद ही ledger को form किया जाता है और easily और errorlessly उसे तभी form किया जा सकता है जब journal की formation correctly हुई हो. The next is date wise अकाउंटिंग. जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड किया जाता है. क्रोनोलॉजिकली का मतलब है डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो हेल्प करता है इन द लोकेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल इन ऑडिट. देन नेक्स्ट जो है दैट इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स. जर्नल में हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट आप लिखते हो साइड बाय साइड, तो कम पॉसिबिलिटी होती है एरर की. अगर ट्रांजेक्शन्स को आप डायरेक्टली लेजर में रिकॉर्ड करोगे तो पॉसिबिलिटी है एरर की होने की ज़्यादा, कि कोई अमाउंट हो सकता है डेबिट ज़्यादा हो जाए और कोई अमाउंट कम हो जाए. सेम तरीके से हो सकता है ज़्यादा से क्रेडिट हो जाए या लेस से क्रेडिट हो जाए. देन नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस ऑफ जर्नल. लिमिटेशंस क्या है जर्नल की? सबसे पहला है लिमिटेड यूज़. प्रैक्टिकल जो यूज़ है जर्नल का वो लिमिटेड है. जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हो. आप सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी दूसरी सबस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं. तो जो दूसरी सबस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं उन्हें आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हो, और उन ट्रांजेक्शन्स का जो नंबर है वो लिमिटेड है. Then next is more useful for small businesses. जो journal है वो large businesses के लिए useful नहीं है, क्योंकि जो number of transaction है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो जो size है journal का वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसमें एक person के लिए काम करना difficult हो जाएगा. Then next is your lack of business information. Journal transactions जो हैं वो एक ही जगह पे आप लिखते हो, तो जो business इन्फॉर्मेशन है उसे ईजिली रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता. अगर ट्रेडर को सपोज कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कैश से रिलेटेड, बैंक स्टॉक क्रेडिटर्स डेप्टर्स से रिलेटेड, इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो जर्नल से वो इन्फॉर्मेशन निकालना या पता करना इंस्टेंटली थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं और ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड हो रही है. वो चीज़ कहाँ होती है? वो चीज़ होती है आपकी या तो सबस्ट्री बुक्स में होती है या फिर आपकी जो लेजर है वहाँ पे होती है. तो जर्नल से वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पे लिमिटेशन लिख रहे हैं, दैट इज़ योर लैक ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन. तो ये थी हमारी लिमिटेशंस जर्नल की. इसके साथ जो हमारा जर्नल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी लेजर. थैंक यू सो मच.